हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लाइव ट्रेड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं छोटे अकाउंट के साथ। जैसे कि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर छोटे अकाउंट को ग्रो करिए, छोटे अकाउंट में ट्रेड करिए, और फिर देखते हैं छोटे अकाउंट को हम ग्रो कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास छोटा सा अकाउंट है। बैलेंस आप देखेंगे $22.54 का है। यहाँ पे क्रेडिट आप देखेंगे 10.19, यानी इसमें $10 का बोनस लिया गया है टोटल। यहाँ पे इक्विटी की बात करें तो 32.73 का इक्विटी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटे अकाउंट के साथ ट्रेड करने वाले हैं। ये मेरा रियल अकाउंट है, देखिए यहाँ से मैं आपको ऑक्टेपेक्स में दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी कितना है, 32.73। यहाँ पे मैं आपको मेन बैलेंस भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कितना है। तो देखिए आप, $22.54 का ये मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर ये डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं रियल अकाउंट में ही ट्रेड करता हूँ। डेमो अकाउंट में मैंने पहले बहुत प्रैक्टिस किया, तो अब डेमो अकाउंट में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी फ़ायदा होता है वो रियल अकाउंट के ट्रेड करने में ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटा ट्रेडर 4 में चलेंगे। ठीक है, मेटा ट्रेडर 4 में ट्रेड को प्लेस करना आसान होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मेटा ट्रेडर 4 में है या ऑक्टेपेक्स में भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं ऑक्टेपेक्स ही ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे रियल लगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको डेमो नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हम जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में यहाँ से हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो यहाँ से हम ट्रेड को शॉर्ट करने वाले हैं, सेल डायरेक्शन में प्लेस करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इससे पहले आपको बता दूँ मैं दोस्तों, जो भी हमारी जो आगे लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो आने वाली है वो छोटे अकाउंट के साथ ही आने वाली है। यानी $22 का जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, ये हमारा छोटा अकाउंट है, इस अकाउंट के साथ ही हम लाइव ट्रेड करने वाले। देखते हैं आगे कितने दिन में हम इस अकाउंट को ग्रो करते हैं, साथ ही साथ वीक में हमने कितना कमाया, कितना लॉस किया, इन सब के बारे में सैटरडे को वीडियो आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल इसका हम एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, छोटे अकाउंट को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लेस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे फ्रेंड्स इस लेवल का। देखिए कंफर्मेशन, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर किस तरीके से कन्फर्मेशन लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे आपको एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे साफ साफ नज़र आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इस लेवल का, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस लाइन का अगर ब्रेक डाउन करता है फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हम टारगेट की अगर बात करेंगे तो हम कितना टारगेट ले सकते हैं, हाँ इस लेवल के आसपास तो हम आसानी से टारगेट ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को भी देख लेंगे, स्टॉप लॉस हम कितना दे सकते हैं, तो हाँ इजीली हम इस लेवल के आसपास आसानी के साथ स्टॉप लॉस दे सकते हैं। लेकिन हमें वेट करना है इस लेवल का ब्रेक डाउन के बाद, यहाँ से हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। अभी अगर हम ट्रेड को प्लेस करेंगे तो स्टॉप लॉस तो हमारा यहाँ पर छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी रहेगा दोस्तों, रिस्क भी थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर, ऐसा ना हो मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, तब यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो सपोर्ट है मार्केट ने यहाँ पे लिया है, दो कैंडल के साथ यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा तो फिर यहाँ से हम ट्रेड को शॉर्ट करने वाले हैं। अब क्यों करने वाले हैं, क्या क्या रीज़न है, इन सभी के बारे में वीडियो के आगे हम इन डिटेल समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके कमेंट्स के ऊपर ही हम छोटे अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे, यहाँ से इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए बाइंग की तरफ भी हम देख सकते हैं इस लेवल का, इस लेवल का अगर प्रॉपर ब्रेकआउट करता है फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर जून हमने मार कर लिए हैं, तो लेट्स सी आगे किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आता हो वीडियो को लाइक जरूर करिए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सेलिंग का जो प्रेशर है वो यहाँ पे आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम अभी ट्रेड को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस तो छोटा हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास हमारा इंट्री होता है, लेवल के आसपास इंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लेस करेंगे। अभी अगर हम ट्रेड को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा $2.5 का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ट्रेड को प्लेस करने वाले हैं 0.02 लॉट साइज के साथ, क्योंकि हमारे पास अकाउंट है वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए लॉस कितना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट $2.5 के आसपास इस ट्रेड में हमारा लॉस होने वाला है अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे फॉल करने का ट्राई कर रहा है, तो मैं ट्रेड को प्लेस करने वाला हूँ दोस्तों सेल डायरेक्शन में, ठीक है। और काफ़ी अच्छा प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनली मैंने ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दिया है फ्रेंड्स 0.02 लॉट साइज के साथ, 0.02 लॉट साइज के साथ हमने ट्रेड को प्लेस कर दिया है सेल डायरेक्शन में। इंट्री हमारा इस लेवल के आसपास हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, लॉट साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। हमारे छोटा अकाउंट है, वैसे तो हमें छोटी लॉट साइज के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, तब ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन का ब्रेक डाउन होगा। इससे पहले ही हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लिया, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा प्रेशर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बस मैंने इन कैंडल्स को देखते हुए ही ट्रेड किया है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने और भी कंफर्मेशन लिया है, ठीक है। किस तरीके से कंफर्मेशन लिया है वीडियो के आगे हम सब कुछ समझने वाले हैं। पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ये एक रजिस्टेंस एरिया है। यहाँ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मैं भी इस रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट भी कर दे, हो सकता है, ठीक है। या फिर दोस्तों यहाँ से मार्केट हो सकता है मैं भी फॉल वगैरह कर दे। अगर यहाँ से फॉल करता है तो कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है GBPUSD। यहाँ से अगर फॉल करता है तो इस लेवल के आसपास आसानी से हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमने जो टारगेट दिया है प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए यहाँ से हमने टारगेट यहाँ पे दिया है, ठीक है। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में हम सब कुछ इन डिटेल समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रेड को प्लेस कर दिया है अभी, और अभी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, तो $0.20 का यहाँ से अभी हमारा इस ट्रेड में लॉस शो कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ पे अप जाने का ट्राई कर रहा है, देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा देंगे, अभी हमने लगाया नहीं है, तो यहाँ पर 394 का स्टॉप लॉस देंगे। चलिए स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मॉडिफाई ऑर्डर, यहाँ पे जाएंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। SL स्टॉप लॉस हम देने वाले हैं 398 का, ठीक है। 398 का यहाँ पे स्टॉप लॉस और कर दिया हमने मॉडिफाई। ये ऑर्डर यहाँ पे हमारा मॉडिफाई हो चुका है। $0.76 का यहाँ से अभी हमारा लॉस दिखा रहा है, देखिए स्टॉप लॉस ऊपर हमारा लग चुका है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आगे यहाँ पे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, अभी यहाँ पे ये रेड कैंडल भी था बट अभी ग्रीन हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, देखिए प्रॉफिट लॉस पार्ट इज़ द गेम। अगर आप प्रॉफिट से डरेंगे तो शायद मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होता है। देखिए छोटे से अकाउंट में यहाँ पर बड़ी लॉट साइज भी हम नहीं ले सकते हैं, देखिए बड़ी लॉट साइज यहाँ पे, हालांकि हमने 0.02 लॉट साइज यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। बाकी छोटे अकाउंट में हमें 0.01 लॉट साइज के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। बड़ी लॉट साइज हमने क्यों यूज किया है यहाँ पे,
क्योंकि दोस्तों देखिए थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस है और छोटे लॉट साइज में प्रॉफिट भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट भी हमारा बड़ा हो जाए और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे $2.5 के आसपास हमारा इस ट्रेड में लॉस होने वाला है, मीन्स यहाँ पे $20 फिर हमारा शेष बचेगा, ठीक है। तो बस यही है, जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारे पास एक प्रेशर जरूर रहता है कि हमारे पास छोटा अकाउंट है, अब हमें प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट के पीछे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, प्रॉफिट के पीछे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट भी होना चाहिए बट सबसे पहले हमें लॉस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर इस ट्रेड में हमारा लॉस हो जाएगा तो फिर कितना लॉस होगा, जैसे कि आपने देखा जब भी हमने ट्रेड को प्लेस किया था उस टाइम पे हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हमारा लॉस होगा तो फिर $2.5 का यानी कि $2.50 का लॉस होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, $2.50 का लॉस देने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, हमें प्रॉपर कंफर्मेशन कब मिलेगा, तब ये वाली लाइन यहाँ पे ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ही ट्रेड को प्लेस कर लिया। क्यों किया पहले ट्रेड प्लेस, रीज़न क्या है, सिंपल रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस छोटा रखने के चक्कर में हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और हम लॉट साइज यहाँ पे बड़ी रख लेंगे, यानी 0.02 लॉट साइज यहाँ पे रख लेंगे, इसलिए यहाँ से हमने बड़ी पहले ही ट्रेड को प्लेस कर दिया, सॉरी, ठीक है, मैं बड़ी बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने वेट नहीं किया इस लेवल का ब्रेक करने का, ठीक है। ले देखते हैं आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेट्स सी आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, कि हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होगा या हम हमारे टारगेट तक पहुँचेंगे। देखते हैं आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। फ्रेंड्स आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कि अभी फ्रेंड्स मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे बनाई है, ठीक है, और अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए तो 0.08 पॉइंट का यहाँ पे अभी हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम श्योर इस लाइन का जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, जैसे ही GBPUSD हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ पे हम श्योर हो जाएंगे हाँ हम इस ट्रेड में विन कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक है हम प्रॉफिट में आ गए हैं, अच्छी बात है, बट यहाँ पे अभी हम श्योर नहीं है तब तक हमारी इस लाइन का ब्रेक ना करें, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट अभी कोई यहाँ पे हमने लगाया नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स अभी मार्केट किस तरीके से यहाँ से परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे फॉल किया है, $1.50 का यहाँ से भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। जैसे कि हम लोग वेट कर रहे थे फ्रेंड्स यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक डाउन के बाद हम ट्रेड को प्लेस करने वाले थे, पहले हमने ट्रेड को प्लेस कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया और देखिए यहाँ पर लगभग 1:1 के आसपास हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर टारगेट 1:1 का यहाँ पे हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ पे अचीव हो चुका है। देखिए मार्केट काफ़ी अच्छे से यहाँ से फॉल कर रहा है और अभी यहाँ पे हमारा $1.9896 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ऑलमोस्ट $2 प्लस प्रॉफिट यहाँ से हो चुका है। देखिए यहाँ से एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है, जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं ना इस लेवल का ब्रेकडाउन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया देखिए मार्केट ने कितने अच्छे से यहाँ से फॉल कर रहा है, देखते ही देखते हमारा प्रॉफिट यहाँ पे $3 के एफ्रोक्स यहाँ पे शो करने लगा है, $2.963 देखिए यहाँ पे हो ही चुका है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से अभी हमारा लगभग प्रॉफिट यहाँ पर हम बुक करने वाले हैं फ्रेंड्स, थोड़े से दूर हैं हम हमारे टारगेट से, क्विकली यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है और फास्ट यहाँ पे हमारे टारगेट को भी हमें अचीव करना होगा। हमने अभी देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे लगा दिया था, टारगेट नहीं लगाया, तो टारगेट क्या हम रेंडमली ट्रेड को क्लोज करेंगे, ठीक है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम रेंडमली ट्रेड को क्लोज करेंगे, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास पहुँच चुके हैं। देखिए जैसे ही $4 के आसपास हमारा प्रॉफिट होगा तो फिर यहाँ से हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, 1:2 का यहाँ पे लगभग हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अचीव हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है, काफ़ी कम टाइम में यहाँ पे हमने ट्रेड
लगभग कंप्लीट कर सकते हैं हम, थोड़े से और दूर हैं हमारे टारगेट से, ठीक है। थोड़ा सा और फॉल कर दे मार्केट, $3.76 के आसपास यहाँ से प्रॉफिट शो कर रहा था, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फास्ट निकलना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमें फास्ट निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है मैं भी इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने के बाद, देखिए इस लेवल के आसपास, देखिए प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लिया है, तो ऐसा ना हो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद बाइंग में चला जाए। अगर चला गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर, हम बिल्कुल एकदम नियरेस्ट हैं हमारे टारगेट से, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे फॉल थोड़ा और कर दे तो आसानी से हमारे टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। थोड़ा और वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। जो भी हमारा प्रॉफिट दिख रहा ना, उसको बुक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे ही $4 का वेट कर रहे हैं, $4 जैसे ही हो जाए फिर हमारे प्रॉफिट को बुक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे $3.72 का प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स $4 का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, तो ट्रेड को मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा फ्रेंड्स। फाइनली यहाँ पे मैंने ट्रेड को, फाइनली दोस्तों यहाँ से हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ट्रेड नहीं है। प्रॉफिट कितना बुक किया, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए $3.74 का प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर पाए, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेड को यहाँ पे क्लोज़ किया मार्केट यहाँ थोड़ा सा अप पर चला गया, इसके कारण थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट हुआ। $3.74 का यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया है, ठीक है। अब कमेंट करके ये नहीं बोलना दोस्तों कि आपने टारगेट के लिए वेट क्यों किया। हम लोग वेट कर सकते थे दोस्तों, लेकिन छोटा अकाउंट है। देखिए मैंने आपको बोला मार्केट अगर यहाँ से घूम जाए, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से घूम जाए, तो फिर जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो उसका क्या होगा, फिर हम क्या हमारे प्रॉफिट को लॉस में देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना। तो इसलिए हमें छोटे, हमें दिख रहा ना यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो बस यहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट चाहिए था वो मिल चुका है 1:2 के आसपास, बस ख़त्म ट्रेड। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा ट्रेड क्लोज हो चुका है। काफ़ी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से लॉजिक को समझ लेंगे, किस लॉजिक के साथ और किस कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड को प्लेस किया था, सेल डायरेक्शन में क्या क्या रीज़न है, यहाँ पे हमने सेल क्यों किया था। सबसे फर्स्ट रीज़न तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देखिए, सबसे पहले हमने ट्रेड को प्लेस करने से पहले किस तरीके से एक एनालाइज किया था, हमने देखा था प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सब रेजिस्टेंस लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है इस लेवल का, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा रीज़न नंबर 1, रेजिस्टेंस लेवल पर हमें सेल करना था, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर रीज़न नंबर 2, रीज़न नंबर 2 क्या था, तो चलिए यहाँ से हम समझ लेते हैं रीज़न नंबर 2। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम इन करके देखेंगे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे RSI की तरफ, ठीक है, रीज़न नंबर 2 यहाँ पे अगर हम देखेंगे RSI की तरफ, तो आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे RSI का यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिला है। किस तरीके से कन्फर्मेशन मिला है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे RSI आपको डाउन साइड मूव करते हुए नज़र आएगा, और प्राइस की तरफ देखेंगे तो प्राइस आपको यहाँ से अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा रीज़न नंबर 2, RSI की तरफ से कन्फर्मेशन, यानी RSI का डाइवर्जन, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं रीज़न नंबर 3 की, रीज़न नंबर 3 क्या था और मैंने किस तरीके से देखा। यहाँ से हम चलेंगे फ्रेंड्स 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट एक एम पैटर्न क्रिएट कर सकता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, एक एम पैटर्न, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मार्केट क्या बनाना चाह रहा है, एक एम पैटर्न, यहाँ पे डबल टॉप जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, डबल टॉप। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, यहाँ पे हमें एम पैटर्न, साथ ही साथ ये क्या एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से है यहाँ पे हमने 3 कन्फर्मेशन यहाँ पे देखा था। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लेस करने से पहले किस तरीके से एक एनालाइज किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आई होप आप को इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला होगा कि जब हम छोटे अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है, किस तरीके से हमारी ट्रेड को मैनेज करना होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने टारगेट दिया था ना, वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, लेकिन हमने पहले ही ट्रेड को
एग्जिट कर दिया, ठीक है। एग्जिट क्यों कर दिया? बिकॉज यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, ग्रीन कैंडल बना लिया। अभी यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बना लेता तो हो सकता है हमारा लॉस हो सकता था। तो छोटे अकाउंट में यही होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखो लॉजिकली जगह हमें एंट्री करना होता है, लॉजिकली जगह हमें यहाँ पे एग्जिट करना होता है। और एंट्री भी दोस्तों हमने पहले ही कर लिया था। अब पहले एंट्री क्यों किया? क्योंकि दोस्तों देखिए, जब आपको मार्केट में कुछ दिन कुछ महीने ट्रेड करते हुए हो जाता है, कुछ साल जब आप ट्रेड कर लेते हैं, तो आपके पास एक नॉलेज होता है कैंडल्स की, स्माइल को आप देखकर पहचान सकते हैं मार्केट यहां से अप जाएगा या फिर फॉल करेगा। थोड़ा बहुत मैं भी देखिए, इतना 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान हम लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हो और आगे भी इसी से रिलेटेड छोटे अकाउंट को, जैसे कि मैंने आपको बोला छोटे अकाउंट को हम ग्रो करने वाले हैं, एक सीरीज लेके आने वाले हैं, लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।